हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी फार्म थर्ड सेमेस्टर। सो लेट वी टॉक अबाउट वन बाय वन। सो बात करते हैं हम आज यूनिट वन की। तो यूनिट वन में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। ये यूनिट वन है, इसमें क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लेना। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी करके जाना है। क्वेश्चन है, डिफाइंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन। इसमें दो रिएक्शन दिए, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और हेलोजनेशन। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, ये रिएक्शन तो छोड़ना ही नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन को तो छोड़ना ही नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये भी, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। इस क्वेश्चन को भी आप करके जाएं, इसको छोड़ना नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ। अब ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है क्वेश्चन, छोटे छोटे में भी आ सकता है, और इकट्ठा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। चारों को पूछ लिया, एक क्वेश्चन में अलग अलग पूछ सकते हैं, जैसे सैक्रीन पर BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरामाइन और DDT। ठीक है, इन सबको तैयार कर लेना। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ के आने ही नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, यूनिट सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, डिफाइन द सब्सिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन बेसिसिटी ऑफ एमाइन एंड इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चन को तो आपको करना ही करना है, अगर समय बचे तो इनको भी करना है। डिस्क्राइब सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो अभी तक हमारी दो यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट पर। तो थर्ड यूनिट की बात करते हैं हम। थर्ड यूनिट में देखो, ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दो क्वेश्चन में से आपको पहला क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको तो आप थोरोली तैयार ही कर लो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू, RM वैल्यू, सेफोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू। ठीक है, तो इनमें ये तो इम्पोर्टेंट है, इनको तो करके ही जाना है। मैं बता देता हूँ किन किन को इम्पोर्टेंट मार्क करना है। देखो, एसिड वैल्यू तो करके जाना, RM वैल्यू भी करके जाना, सेपोनिफिकेशन और आयोडीन, ये चारों तो करके ही जाना है, इनको छोड़ना ही नहीं। अगर समय मिले तो एसिटाइल वैल्यू भी कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय फैट एंड ऑयल, डिस्कस देयर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, अगर समय मिले तो इसको भी तैयार कर लेना। अगर बिल्कुल समय नहीं बच रहा है तो ये जो मैंने स्टार मार्क करे हैं, इनको तो करके ही चले जाना। सो अब बात करते हैं हम यूनिट फोर की। सो यूनिट फोर में इम्पोर्टेंट एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको तो आप करके ही जाना। राइट इन डिटेल अबाउट सिंथेसिस रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ। इसमें देखो, ये क्वेश्चन में जैसे अलग अलग नेफ्थलीन के बारे में पूछेगा, फिनेंथ्रीन के बारे में पूछेगा, एंथ्रासीन के बारे में और डाइफिनाइल मीथेन के बारे में पूछेगा। अगर आप इनको तैयार कर लो तो आपकी यूनिट फोर कंप्लीट हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समय कम मिल रहा है तो नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन,
ये तो आप करके ही जाना, इनको आप छोड़ना ही मत, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की, जो कि है हमारी यूनिट नंबर 5। इनमें जो तीनों क्वेश्चन दिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब वियर स्ट्रेंथ थ्योरी इन डिटेल। देखो इस थ्योरी को मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पर भी शेयर किया है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कॉल्यूजन एंड मॉफिट थ्योरी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब सच्चे मोहर थ्योरी, ठीक है। अब इन तीनों में से ये वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर साल हर ईयर देखने को मिल ही जाता है। वियर स्ट्रेंथ थ्योरी एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कंपटीशन वाला एग्जाम हो चाहे हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, जो भी बच्चे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में हैं, प्लीज़ जो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको तो आप तैयार कर ही हैं। जितने भी मैंने अभी तक इसमें क्वेश्चन बताए हैं, देखो एक बार और मैं दिखा देता हूँ। यूनिट 1 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, यूनिट 2 में 5 क्वेश्चन दिए हैं, यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, यूनिट 4 में 1 क्वेश्चन दिया है और यूनिट 5 में 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें जो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको बिल्कुल ही समय नहीं मिल रहा है, जो मैंने स्टार मार्क करवाया है उनको तो आप एटलीस्ट करके ही चले जाना, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ।